आज है 3 अक्टूबर 2021, और 3 अक्टूबर 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी। डेली क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इसका ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। सभी लिंकों को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था नेशनल क्रेडिट कोर के नए महानिर्देशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुरबील पाल से हैं। नेशनल क्रेडिट कोर के नए महानिर्देशक गुरबील पाल से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए श्रम मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर डीजी सक्षम पहल को लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन यादव ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से डीजी सक्षम लॉन्च किया है। यह एक डिजिटल कौशल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल वंचित समुदाय से संबंधित अर्ध शहरी क्षेत्रों में नौकरी चाहने वालों को प्राथमिकता देगी। इनमें वे लोग शामिल है जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा दी है। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानकारी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 में हुई थी। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष सत्य नडेला है और इसके CEO सत्य नडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक को किसने लिखा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोले सोइका। क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ पुस्तक को बोले सोइका ने लिखा है। टॉप बुक चरण के ऑथर बुद्धा इन गंधारा पुस्तक को सुनीता द्विवेदी ने लिखा है। फेसिंग द माउंटेन, अ ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वार सेकेंड पुस्तक को डेनियल जेम्स ने लिखा है। हब्बा खातून पुस्तक को काजल सूरी ने लिखा है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक को साकुर राथर ने लिखा है। कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक को के रंगोथमन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन मणिपुर राज्य में मनाया गया है। यह उत्सव नृत्य और संगीत का 3 दिवसीय उत्सव है। शास्त्रीय रंगों के नट संकीर्तन भगवान श्री कृष्ण का एक भजन है जो सीवरल स्वदेश लय को संश्लेषित करता है। संकीर्तन व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण अवसर जैसे जन्म से मृत्यु तक को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। टॉप त्योहार करंट अफेयर्स डिवीजन, सोलंग त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, ओणम त्योहार को केरल राज्य में मनाया गया है, राजा पर्वा त्योहार को उड़ीसा राज्य में मनाया गया है, आदिपुरम त्योहार को तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है, कृषि से संबंधित नुआ खाई उत्सव को उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने सरजाह में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन में 44वें मैच में एक रिकॉर्ड बनाया है। वह टीम 20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धोनी ने सरजाह में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सीजन में 44वें मैच में कैच का रिकॉर्ड बनाया है। वह इस T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL के बारे में जानकारी, IPL का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। IPL का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में IPL का 13वां संस्करण UAE में खेला गया था। IPL 2020 में विजेता टीम मुंबई इंडियंस रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड की नई प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पद्माजा चंदू।
पद्माजा तंद्रू को नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। पद्माजा चंद्रू जीवी नागेश्वर की जगह लेंगी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। इसकी एमडी एंड सीईओ पद्माजा चंद्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येनाद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। येनाद पुरस्कार 2016 में येनाद पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। यह शिक्षा पुरस्कार है जो व्यक्ति या 3 सदस्यीय टीम को मान्यता देता है जिन्हें शिक्षा, अनुसंधान और विकास में योगदान दिया है। भारत बेस्ट डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को 28 सितंबर 2021 को येनाद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टॉप पुरस्कार करंट अफेयर्स रिवीजन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रुमाना से सहगाल को सम्मानित किया गया है। सर रिचार्ड हेंडली अवार्ड से केन विलियमसन को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय महिला कृतिकरंत हैं। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड तिले झाओ को दिया गया। छत्तीसगढ़ वीरांगना पुरस्कार 2021 से दूती चंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने लगातार 10वें साल IIFL वेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप किया है। 2021 में उनकी कुल संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है। टॉप 3 के नाम, पहले पे मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पे गौतम अदानी और तीसरे नंबर पर शिव नादर, HCL प्रौद्योगिकी का परिवार। टॉप सूचकांक ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में वियतनाम शीर्ष पर रहा है, भारत का स्थान दूसरा है। एप्पल कंपनी हुरन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसमें भारत का रिलायंस इंडस्ट्री 57वें नंबर पर है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2021 में टॉप पर चीन देश रहा है और भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने आत्मरक्षा के लिए राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए होसोंग 8 नामक एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बैलिस्टर हथियार प्रणाली की तुलना में कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक प्राप्त कर सकती हैं, जिसमें विरोधी की अवरोधक क्षमता सीमित हो जाती है। उत्तर कोरिया के बारे में जानकारी, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी प्योंगे है। उत्तर कोरिया की करेंसी उत्तर कोरिया इवॉन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोन उन है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया को 2 भागों में विभाजित करती है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रोनाल्डो फर्स्ट माई स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम उत्तर कोरिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संदीप सिंह, एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए उपप्रमुख बने हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के बारे में जानकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन एयर फोर्स। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। वायुसेना के उपप्रमुख संदीप सिंह हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवानी सिंह है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला फाइटर पायलट का नाम भावना कंठ है। वायुसेना में प्रथम भारतीय महिला पायलट का नाम हरिता कौर देओले। टॉप सेना प्रमुख के नाम, वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी, थल सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवरे, नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह हैं। भारतीय तटरक्षक बल के
प्रमुख कृष्ण स्वामी नटराजन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अक्टूबर। वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 1 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे कि बुढ़ापा और बड़े दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में वृद्ध लोगों द्वारा किए गए योगदान की सराहना करना है। अक्टूबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं फ्रेंड्स, उनको मैं आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। कंपटीशन एग्जाम के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व रीढ़ दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को बांस दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा फ्रेंड्स। और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे वो रेंडमली सिलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारे चैनल की तरफ से शानदार गिफ्ट। तो फटाफट से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, हमारे चैनल गूगल सर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि डेली करेंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोजाना आपके मोबाइल पर मिल जाएगी।